नमस्कार। दांत पीसना एक ऐसा इशू है, एक ऐसी बीमारी है जिसको टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं, जो आमतौर पर हमारे वश में नहीं रहता है। जब किसी क्लाइंट को ये हो जाता है, किसी व्यक्ति को जब ये हो जाता है, तो ये उसका अनकॉन्शियस रिएक्शन होती है। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक एंजाइटी का या परसीव्ड एंजाइटी का, जो एंजाइटी मान ली गई है, हाथ होता है। कई बार कोई बचपन की कंडीशनिंग भी हो सकती है, यानी इसका जो जुड़ाव है बचपन से भी हो सकता है। हो सकता है ये कुछ अरसे से ही स्वीकार किया गया हो। ये एक रेस्पॉन्स है जो हम देते हैं, यानी जो हमारा क्लाइंट है वो देता है ये रिस्पॉन्स किसी न किसी प्रॉब्लम को, जो कि अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो निहित है और उसका सुलझाव नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। यह एक लर्नड बिहेवियर है, कहीं ना कहीं से हमने सीखा है। जो सीखा है उसको सुधारा जा सकता है, सुधारने में वक्त लिया जा सकता है, क्योंकि ये बिहेवियर सबकॉन्शियस लेवल पर गाइडेड होता है। तो इसका निपटार करना, इसको ठीक करना भी सबकॉन्शियस माइंड पर जाकर ज़्यादा आसान होता है। तो आज का सेशन के अंदर इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। एक अपनी आदत के अंदर ये हिस्सा बना लें कि रिलैक्स होने की आदत डालें, खास तौर से सोने से पहले, तो आप पाएंगे कि उस अकेली उस आदत से बहुत फर्क पड़ता है। तो सेशन के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले अपनी दोनों आँखों का ध्यान अपने नाक के बिंदु पर लेकर आएं। नाक का ये बिंदु, ये जो चोंच थोड़ा कष्ट कर लगता है, लेकिन लेकर आए। पूरा ध्यान अपने नाक के सिरे पर ले जाएं और लंबी गहरी सांस लें। एक और, एक और। अब आराम से सांस लें, अपना ध्यान सांस पर भी ले जाएं। जैसे ही अब आप सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते चले जाएंगे। बहुत खूब, दोनों आंखें बंद करें और अपना ध्यान माथे के बीच में ले जाएं। अपने सांस को आता हुआ और जाता हुआ वाच करें। देखिए आपका सांस किस प्रकार आपके नाक से धीरे धीरे शरीर के अंदर पेट तक जाता है, किस प्रकार आता है। पूरा ध्यान अपने सांस पर ले जाएं। श्वास हमें जीवन शक्ति देता है। जब जब हम श्वास ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर जीवन शक्ति बढ़ती जाती है। ये जीवन शक्ति हमें हर कार्य करने में मदद करती है। यही शक्ति हमें हर रुकावट को पार करने में भी मदद करती है। इमेजिन करें आपके सांस से आई हुई ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में फैलने लगी है। आपके शरीर में धीरे धीरे इसका फैलाव महसूस करें। चेस्ट से ऊपर और नीचे
दोनों तरफ, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ फैलती हुई इस जीवन ऊर्जा को महसूस करें। जहाँ जहाँ ये ऊर्जा जाती है, पूर्ण आनंदमय प्रभाव डालती है। एकदम रिलैक्स, मन शांत, तन शांत। हर सांस के साथ ये शांति, ये आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। एकदम शांत हो जाए। मैं एक से तीन काउंट करूंगा। तीन काउंट करने पर आप कल्पना करेंगे जैसे आप किसी झील के किनारे या नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, जहाँ पर बहुत सारी रेत है, उस रेत पर अपने आप को भ्रमण करता हुआ महसूस करें। रेत पर चलते हुए धीरे धीरे आपके पांव से होने वाले स्पर्श को अनुभव करें। हर बार जो पांव के नीचे मुलायम रेत दबता है, उस सुख को अनुभव करें। कुछ देर धीरे धीरे इस रेत पर चलते जाएं। हर कदम के साथ एकदम शांत, रिलैक्स और शक्तिशाली और शक्तिशाली होते जाएं। अब जाकर कहीं आराम से उसी रेत के ऊपर, हल्का हल्का वार्म रेत है, लेट जाएं। एकदम सीधे लेटें, आपका मुंह ऊपर की तरफ, सीना ऊपर की तरफ, पीठ रेत से लगी हुई, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम शांत छोड़ दें। धरती माँ की ऊर्जा आपके शरीर से जुड़ चुकी है। इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। यह ऊर्जा सारी नेगेटिविटी को, सारी टेंशन्स को, सारी समस्याओं को सोख लेती है। पूरे शरीर में फैलती हुई इस ऊर्जा को अनुभव करें। मानो सारा शरीर, शरीर की एक एक कोशिका पूर्ण रूप से शुद्ध, शांत, शक्तिशाली हो गई है। कुछ देर यूं ही ढीला शरीर छोड़कर आनंद महसूस करें। अब ऊपर से आती हुई सूरज की किरणों को अनुभव करें, जैसे कि आपके शरीर पर सूरज की किरणें अपनी गर्माहट दे रही है। हल्का हल्का गर्माहट सर से लेकर पांव तक, सूर्य देव की इस ऊर्जा को अपने शरीर में फैलने दें। यह ऊर्जा शक्ति देती है। जहां से धरती माँ की ऊर्जा ने नेगेटिविटी निकाली है, इसको वहां पर शक्ति भरने दें, ऊर्जा भरने दें। मैं 10 से 0 तक गिनूंगा। हर गिनती पर आप अपने आप को और ज्यादा फ्रेश, शक्तिशाली महसूस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
एकदम रिलैक्स, शांत हो जाए। अब मैं आपके मन के लिए कुछ संदेश दूंगा, वो संदेश आपके मन की गहराई में स्वीकार कर लिए जाएंगे। जब भी आप सोते हैं, बड़े आराम से, चाहे सपना है या वैसे सो रहे हैं, आपका पूरा जबड़ा, दांत एकदम शांत रहते हैं और आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं। आप अपनी नींद का पूर्ण आनंद लेते हैं, पूर्ण आनंद लेते हैं। हर बार जब आप सोते हैं तो उठने के वक्त तक आप पूर्ण रूप से शांत होकर सोते हैं। आपके जांघ, आपके टीथ एकदम शांत रहते हैं। आप नींद का भरपूर आनंद उठाते हैं। वो सारी वजह जो कि दांतों को हलचल में डालती थी, वो वजह भी अब शांति प्रदान करती है। आप हर रोज पूर्ण आनंद से, शांत स्वभाव से नींद का पूर्ण आनंद लेते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, एकदम तरोताजा और रिलैक्स मन से उठते हैं, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपका आत्मविश्वास उत्तम है। आप हर परिस्थिति में रिलैक्स रहते हैं, आप हर परिस्थिति में रिलैक्स रहते हैं। हर रोज आप पूर्ण नींद, एकदम शांत स्वभाव से आनंदित होकर पूरी करते हैं। ये सारे संदेश मन की गहराई में चले जाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब मैं 1 से 3 काउंट करूंगा। 3 काउंट करने पर आप कल्पना करेंगे कि सोने से पहले का वक्त हो गया है। 1, 2, 3। कल्पना करें जैसे कि आप सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं। सबसे पहले आराम से लेट जाएं। अपने श्वासों पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ बाहर जाते हुए टेंशन का अनुभव करें, बढ़ते हुए रिलैक्सेशन का आनंद लें। हर सांस आपको और आनंद देती जा रही है और इसी आनंद की मुद्रा में आप सो जाएं। इमेजिन करें अपने आप को बड़े आराम से, शांत स्वभाव से आप सो रहे हैं, मीठे सपनों का आनंद भी ले रहे हैं, मीठी नींद का आनंद भी पा रहे हैं। पूरी रात एकदम शांत, एकदम शांत। अब आपके मन में अगर कोई भी ऐसा विचार आता है जो कि चिंता से जुड़ा हुआ हो, आप और शांत हो जाते हैं, और शांत हो जाते हैं। पूर्ण निद्रा का पूर्ण आनंद लें। अब आप सुबह के वक्त पे आ जाएं। सुबह उठने का वक्त हुआ। 1, 2, 3। जब आप सुबह उठते हैं, तरोताजा उठते हैं, सभी आपके घर वाले,
आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर खुश हैं क्योंकि वो भी आज शांति से सोए हैं। आज पूरी रात आप एकदम शांत स्वभाव से सोए हैं। ये सारी बातें आपके अवचेतन मन में ग्रहण हो जाए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। मैं कुछ ही देर में 1 से 5 गिनूंगा। 5 गिनने पर आप आंखें खोलेंगे। जब आप आंखें खोलेंगे, अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5 Take your own time. Come up. जब चाहें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Wow. Take your own time. खुशी खुशी आंखें खोलें, हाथों को रब करें, चेहरे पर ऊर्जा महसूस करें, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करें। आपने बहुत ही कम काम करना है इसके मामले में। काम नंबर 1, डेंटिस्ट से एक बार चेक करा लें कहीं कोई आपके दांतों में नुकसान तो किसी किस्म का नहीं हुआ है, ताकि उसे ठीक कर सके। काम नंबर 2, रिलैक्सेशन का अभ्यास करना सीखें। अपने आप स्वयं रिलैक्सेशन का, जैसे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के साथ करते हैं, योग निद्रा से करते हैं, कोई ना कोई रिलैक्सेशन देने वाली विधि का प्रयोग करके अपने आप को आदत डालें, खास तौर पर सोने से पहले रिलैक्स होने की, पूर्ण रिलैक्सेशन में चले जाएं। और जब भी कल्पना करें, गहरी नींद में, शांत नींद में सोते हुए अपनी कल्पनाओं में चले जाएं। आप पाएंगे कि जब आपकी बॉडी रिलैक्स होना सीख जाती है, तो रेस्पॉन्स टू एंग्जाइटी, चिंता को जो हम दांत पीस कर जो जवाब देते हैं किसी न किसी रूप में, वो रिलैक्सेशन में बदल जाता है। आप ऐसा करके देखें, आप पाएंगे कि ये काम करता है। साथ में कुछ व्यायाम करने की आदत जरूर डालें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी रिलैक्स होना सीख जाती है और तंदुरुस्त भी रहती है। इसी प्रकार का अगर और भी कोई आप इशू बेस्ड सेशन चाहते हैं, तो आप उसकी राय हमें दे सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे यथा जल्दी, यथाशक्ति बना सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।